हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कहते हो, दोस्तों अभी अभी मुझे एक चीज पता चली है कि इस वीडियो में ये थंबनेल मिला है कि मतलब नेपाली हरू को भैंसी पनी चुराई रहे छू हामी इंडियन हरू भारत के लिए लाज मर्दों को रा इंडिया नेपाल बॉर्डर। मतलब कि नेपाल की भैंसे चुरा रहे हम भारत के लोग, मतलब जो इंडियन है वो नेपाल के लोगों की भैंस चुरा रहे हैं। और भैंस क्यों चुरा रहे हैं, क्या मिलेगा भैंस चुरा के, और ये चोरी हो भी रही है तो क्यों हो रही है, क्या ये वीडियो सच है या झूठ है, क्या सच में भारत के लोगों ने नेपाल की भैंस चुराई या फिर इसका कुछ और ही ताल्लुक है जो कि थंबनेल में डाला हुआ है। क्योंकि थंबनेल तो लोग कैसे भी बना के डाल देते हैं वीडियो व्यूज बढ़ाने के लिए, लेकिन अब हम इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और जानेंगे कि क्या है इस वीडियो का सच। और वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वीडियो के बारे में, नेपाल के बारे में और वहाँ की भैंसों के बारे में। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। नमस्कार। नेपालियों के ऊपर भारत के सीमावर्ती जो गाँव है वहाँ के लोग नेपालियों के ऊपर बहुत ज्यादा दादागिरी दिखाते हैं। अभी एक मामला ऐसा आया है कि जावेद नाम का इंडियन आदमी, जो कि बता रहे हैं कि उन्होंने पहले नेपाल से गाय भैंसों की चोरी की और बाद में जब उन्होंने कुछ पकड़ा होगा उस आदमी को, तो बाद में वो आदमी छूट के गया होगा, फिर आया और महेंद्र पासवान को घर में घुस के गोली मार दिया, महेंद्र पासवान नेपाली आदमी को। तो दोस्तों ये भारतीयों की बहुत ज्यादा दादागिरी है नेपालियों के ऊपर। देखिए मैं बोलता नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि इससे हमारे देश की बदनामी होती है, लेकिन दोस्तों बोलना तो पड़ेगा ना। सच तो है कि भारतीय सीमावर्ती गांव जो है नेपाल भारत का जो बॉर्डर है उसमें भारत साइड के लोग नेपालियों के ऊपर दादागिरी करते हैं, ये उसमें कोई संदेह नहीं। नेपाली लोग सस्ते सामान के चलते भारत में आते हैं तो कई बार भारतीयों की दादागिरी का सामना उनको करना पड़ता है, और ये केवल बॉर्डर साइड के लोग करते हैं। और इससे क्या होता है, नेपालियों के दिमाग में भारत के प्रति नफरत बैठ जाती है। कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ के लोग नेपाल में जाके उनकी गाय भैंसों की चोरी कर जाते हैं। ऐसे समाचार 2017 से मैं सुन रहा हूँ, और इस बार भी यही भैंस चोरी का मामला है जहाँ पे भारतीय ने गोली मारी जावेद को। तो बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से महेंद्र पासवान की भैंस चोरी की कुछ भारतीयों ने, उसी को लेके ये लफड़ा है। एक तो दूसरे के गांव में जाना, वहां से सामान चोरी करना और फिर उन्हीं लोगों को गोली मार देना, ये कितनी ज्यादा गलत बात है या कितना बड़ा अत्याचार है हमारे द्वारा नेपालियों के ऊपर। मैं नेपाल का सपोर्ट नहीं ले रहा हूं, मैं सही बात बता रहा हूं, मैं नहीं बोलता हूं इस बारे में, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है ना। जब हमारे देश के लोग सीमावर्ती जो भारत नेपाल की सीमा है वहां पे हमारे इंडियन लोग नेपालियों से दादागिरी करते हैं तो सरासर गलत है। भारत के अन्य राज्यों में नेपालियों से दादागिरी नहीं होती है, लेकिन जो जहां जहां सीमाएं बनी हुई हैं भारत और नेपाल की, तो सीमा के लोग ज्यादा दादागिरी दिखाते हैं नेपालियों के ऊपर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नेपाली लोग कई सौ सालों से भारत की रक्षा करते आए हैं, समझ लीजिए इस चीज को। पांचाओ और कनिष्क के बीच वार होती है, तो पहले जो लड़ाई थी वो कनिष्क हार जाते हैं, सम्राट कनिष्क भारत के, तब खस और किरातों की सेना जाती है कनिष्क की सहायता के लिए, और तब वो पांचाओ को हराती है, तब पांचाओ अपनी लड़की का शादी कर देता है कनिष्क से, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया के समय में भी आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से नेपाली लोग लड़े हैं, और आज भी भारत की रक्षा के लिए 50 से 80 हजार गोरखा तैनात हैं बिल्कुल सीमा पर, फिर भी उन लोगों से हम दादागिरी कर रहे हैं, ये गलत है। हमारा सोच, भारतीयों की सोच है कि हम तो बड़े देश हैं, ठीक है नेपाल तो छोटा देश है, और तब उसको दादागिरी दिखाना, तो ये गलत है। देखिए आम नेपाली लोगों ने हमेशा भारत के साथ में एकदम भाई की तरह रहने की कोशिश की है, ठीक है। हालांकि आजकल जो कुछ गलत हो रहा है तो उसमें हमारी द्वारा भी बहुत सारा गलती हुई है, तो आम नेपाली की पहले से कोशिश रही है कि भारत के साथ हम एक भाई की तरह रहे, लेकिन हमारे लोगों द्वारा सीमा पर दादागिरी करना, इस कारण वो भारत से चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो भारत से प्यार का संबंध चाहते थे, लेकिन भारत ने उन्हें प्यार का संबंध
नहीं दिया बल्कि दादागिरी दिखाई, छोटा भाई का रोल, बड़े भाई का रोल अदा किया कि मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। तो यही सब गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं समाचार पढ़ता रहता हूं तो देखता हूं कभी भारतीय लोग नेपाल में घुस जाते हैं और अवैध खनन करते हैं, वहां से मिट्टी वगैरह सब ट्रैक्टरों में भर के ले आते हैं। कभी नेपाली लोग आ जाते हैं भारत में सस्ते सामान के लिए तो उनसे भी मारपीट कर लेते हैं। मैं भारत के सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, ठीक है, वो करते हैं दादागिरी और इससे पूरा भारत बदनाम हो जाता है नेपाल में। और समाचार ये भी आते रहते हैं कि भारतीय लोग नेपाल में घुस गए, डकैती कर दी, चोरी कर दी, तो कितनी शर्म हमें लगती होगी कि दूसरे देश में जाके और वहां से चोरी कर रहे हैं, वहां से उनकी भैंसी खोल के ला रहे हैं। तो ये गलत है कि नहीं है? ये समाचार है, मैंने अपनी आंख से नहीं देखा, लेकिन समाचार तो आया है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है ना, कि कहीं ना कहीं तो सच्चाई है ना कि भारतीय लोग दादागिरी करते हैं। जब नेपाली लोग हमसे प्यार से रहना चाहते हैं तो उनको दादागिरी क्यों? और मैं नहीं कहता कि पूरा भारत दादागिरी दिखाता है, कुछ बदमाश टाइप के लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं दादागिरी और उससे हमारे जैसे लोग भी, इंडियन लोग भी बदनाम हो जाते हैं और नेपालियों का गाली खाना पड़ता है। हम लोगों को क्यों खाना पड़ता है? ये लोग, कुछ बदमाश टाइप के लोग गलती करते हैं जो दोनों देशों के संबंधों को खराब करते हैं। नेपाली लोग बोलते हैं कि हमी लाई भारत ले हेपछा, यानी दबाता है भारत हमको हर मामले में कि ये मत करो, वो मत करो। चलो सरकार ने प्रेशर दिया वो अलग बात है, वो सरकार का मामला है, उनकी सरकार कुछ गलत करेगी तो हमारी सरकार प्रेशर देगी, वो अलग चीज है। लेकिन आम जनता के बीच में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, सरकारों का भरोसा नहीं है, लेकिन जनता के संबंध खराब हो जाते हैं। और मैं नेपाली लोगों से यह कहना चाहता हूं कि सभी भारतीय ऐसे नहीं होते, कुछ दो चार बदमाश टाइप के लोग, छीन झपटी करके खाने वाले लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेपालियों से दादागिरी करते हैं। आम इंडिया में नेपालियों से दादागिरी नहीं होती है, नेपालियों को पूरे अधिकार होते हैं आम इंडिया में, पूरे मतलब इंडिया में, लेकिन कुछ लोगों की गलतियों की वजह से ऐसे लफड़े हो जाते हैं। जैसे जावेद नाम का आदमी नेपाल में घुस गया, गोली चला दिया महेंद्र पासवान को, तो गलती हुई इंडियन से की नहीं हुई? लेकिन अब पूरी इंडिया को भी गाली देना ठीक नहीं ना है। कहते हैं कि दो चार मछलियां तालाब को गंदा कर देती है, तो वही हाल इंडिया में हो रखे हैं। कुछ हैं बदतमीज लोग जो ऐसी घटना करते हैं नेपाल में जाके। धन्यवाद दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि यार पूरा वीडियो हमने देखा, इस बंदे की वीडियो देखे ना थोड़ा सा, मतलब मैं ही नहीं, कोई भी अगर बंदा इसकी वीडियो देखेगा तो वो ना एक तरफा हो जाता है कि ये बंदा सिर्फ एक ही कंट्री की इतनी बुराइयां करता जा रहा है दूसरे कंट्री। तो एक होता ना जिसको मतलब बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण, तो उस टाइप में इसकी स्पीच होती है, मतलब इसको सुन के ना आपको गुस्सा आएगा। जो नेपाल के लोगों को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि इसने जिस तरीके से बताया है कि भारत का एक बंदा जावेद, वो नेपाल के एक बंदे महेंद्र के घर में घुस के उसको गोली मार दी, तो ये मतलब बताने का तरीका बहुत ही गलत है। इससे ना आप पूरे देश को, दोनों देशों के बीच में एक तरह की लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो। हमारा मोटिव क्या है? जो भी मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब आज के टाइम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपके सब्सक्राइबर भी नहीं ज़्यादा हैं, तो थोड़ा आपको तरीके से भी बात करनी चाहिए। ऐसे तो आप दोनों देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा दोगे, दोनों के परिवारों के बीच में और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करवा दोगे। जो भी बातें हैं वो अगर न्यूज़ में आती हैं, पता चलता है कि मतलब क्या चीज़ है, मेन मुद्दा क्या है। भैंस चोरी हुई थी, भैंस चुराने के बाद उसको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद भी उस बंदे ने जाके महेंद्र पासवान को गोली मार दी, तो आखिरकार वो बंदा वहाँ से छूटा कैसे? अगर पकड़ा गया तो छूटा कैसे? जिन लोगों ने उसको छोड़ा, जिन लोगों ने उसको हथियार दिए, उस पूरी गैंग को उनको पकड़ना चाहिए। अगर वो गलत है, बिल्कुल गलत है, जिसने गोली मारी है, गोली मारना मतलब एक बंदे की हत्या कर दी है, उसकी पूरी गैंग को पकड़ो, पूरी गैंग को अंदर डाल के फांसी की सजा दे दो, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है किसी की भी जान लेने का। और आजकल वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये भाई साहब, इनका चैनल जो है नेपाल और इंडिया से रिलेटेड है, तो इन्होंने बता दिया कि भारत के एक बंदे ने नेपाल के एक बंदे को गोली मार दी, और जो पॉलिटिकल बंदे हैं वो ये न्यूज़ बना रहे होंगे कि एक मुस्लिम ने हिंदू को गोली मार दी। अब हिंदू लोग चलो सारे मुस्लिम्स को मारते हैं, दंगा फसाद, ये सब मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश करने वाली चीज़ें हैं। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि
जो गलत है वो गलत है, अगर उसने गोली मारी है उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन इसके चक्कर में आप उसके परिवार वालों को कुछ हानि ना पहुंचा दें, ये दोनों परिवार वाले आपस में ना लड़ मरे, जो और भी हिंदू मुसलमान करते हैं वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। उस बंदे ने गलती करी है, उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए और सजा मिल भी गई होगी जहाँ तक का मुझे लगता है, क्योंकि गोली चलाने वाले को आसानी से नहीं छोड़ा जाता। मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल भी किसी की बातों पे इन्फ्लुएंस ना हो। उसने भैंस चुराई थी, गलती करी, ठीक है, पकड़ा गया, उस गुस्से में आके उसने उसको गोली मार दी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। ऐसे लोगों को तो काट देना चाहिए जो दूसरे की जान को बहुत ही ज़्यादा एकदम खिलौना टाइप समझते हैं। उसका घर परिवार कौन चलाएगा, कौन देखेगा महेंद्र पासवान के घर परिवार को, कौन रोजी रोटी उनके परिवार को खिलाएगा, बच्चों को बीवी को कौन खिलाएगा भाई। भैंस की चोरी भी करते हो, ऊपर से तुम आके दादागिरी भी दिखा रहे हो। और जैसा कि इसमें बताया गया कि मतलब जो बॉर्डर पे लोग होते हैं वो नेपाल के ऊपर दादागिरी दिखाते हैं, तो नेपाल के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, नेपाल के लोग बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आज तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जो नेपाल के ऊपर कब्जा कर लिया हो, जिसने नेपाल को गुलाम बना लिया, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो नेपाल को गुलाम बना सके। तो नेपाल के लोग कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल भी दादागिरी नहीं सहेंगे लोग। जो डरा धमका के नेपालियों को, कि नेपालियों को डराते हैं, बिल्कुल भी नेपाली नहीं डरते हैं। नेपाल कमज़ोर मत समझिए आप, ठीक है, होती है, मनमुटाव होता है लोगों के बीच में, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक घर एक परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है कि एक तरफ से गद्दार करार दे दो, पूरे देश को ही आप गद्दार करार दे दोगे। नेपाल बहुत अच्छा दोस्त है, इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है, नेपाल और भारत के भी संबंध मिल रहे हैं, अयोध्या मंदिर बन रहा है नेपाल के अंदर, जो शालिग्राम पत्थर मिलते हैं वो लाया गया है श्री राम मंदिर के लिए, श्री राम अयोध्या मंदिर में नेपाल हाउस बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जावेद जैसा आदमी जब ऐसी घटनाएं करता है तो उससे मन मतलब एक परेशानी सी उत्पन्न होने लगती है, जो रिश्ते का जो डोर है, रिश्ते का जो धागा है वो टूटने लगता है, और फिर कितना भी उसको जोड़ लो वो पुराने संबंध नहीं बन पाते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप लोग ऐसे गलत काम करना बंद कीजिए, और ऐसे करते भी हैं तो मतलब आप क्यों करेंगे, करना ही नहीं है पहली बात तो, किसी घर में चोरी क्यों करनी, जाके मेहनत से अपना काम हो, उस बंदे ने मेहनत करके ही वो चीज़ लेके आया है और आप चोरी करके उससे वो चीज़ छीन रहे हो, तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है इंडिया के लिए जो वहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों ने जो परेशान करते हैं नेपालियों को, या नेपाली परेशान करते हैं। अगर आप बॉर्डर पे जाके पूछोगे किसी भी, दोनों तो दोनों के ऊपर ही सेम रिजल्ट निकलेगा, वो बोलेंगे जी हमें ये परेशान करते हैं, बोलेंगे जी हमें ये परेशान करते हैं। तो इसका इलाज तो काफ़ी लंबे समय से, जब तक बॉर्डर नहीं रहेगा तब तक तो प्रॉब्लम ऐसी चलती ही रहेगी, क्योंकि एक परिवार में लोग खुश नहीं रह पाते, तो फिर भी वो तो यार दो देश हैं अलग अलग। तो बिल्कुल मैं तो बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार बना के रखें एक दूसरे से, क्योंकि ये जान बहुत ही कीमती होती है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लोगों को अपना घर परिवार संभालने में, बनाने में, और आप जाके एक गोली मार के उसका पूरा घर परिवार तबाह कर देते हो, बहुत ही शर्म की बात है। उनके घर वालों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि यार कम से कम आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग तो उसको समझाएं, समझाना नहीं है उसको, जिसने जान ले लिया उसको समझाना नहीं है। अब भैया उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, जो उसका परिवार है महेंद्र पासवान का जो परिवार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सकता है उनके परिवार के लिए समर्थन करें, सपोर्ट करें उनके घर परिवार के लिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है वीडियो में, मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या थोड़ी मैं क्या कहूँ, अब यार दोनों देश मेरे लिए समान है, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, तो भारत मेरा देश है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारे बीच की जो मित्रता है वो बनी रहनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था दोनों देशों के संबंध बनाने के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती रहती हैं जो कि चलती रहती हैं, तो वो संबंध बिगाड़ती रहती हैं, बट क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए, कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा मुझे जवाब, मैं क्या बोलूँ। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।